हेलो एवरीवन। सो कंपनी है डाइसमैन कार्बोगेन लिमिटेड। मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है आज 5 नवंबर। सो कंपनी लिस्ट हुई है NSE पे 2017 के सितंबर मंथ में। उस टाइम में प्राइसिंग थी 350 रुपये। इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है 2018 के जनवरी में, अराउंड 400 रुपीज़ के आसपास का ऑल टाइम हाई था। 3 महीने के बाद, यानी कि ऑल टाइम हाई टच करने के 3 महीने के बाद कंपनी ने अपना ट्रेंड फिर चेंज कर दिया, बुलिश से बेरिश में एंटर हो गई। एंड लगातार 2 साल तक बेरिश ट्रेंड में रहने के बाद में इसने अपना जो स्टॉप लिया वो लिया 50 रुपये के आसपास, 40-50 रुपये के आसपास का स्टॉप इसने लिया, मतलब यहाँ पर जाके। एंड इसी जगह से इसने फिर से अपना ट्रेंड चेंज किया है, बेरिश से बुलिश में एंटर हुई है कैंडल्स, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है और फॉर्मेशन दिया आगे के लिए फ्लैग एंड पोल की। तो यहाँ पोल बना, फिर से फ्लैग था एंड फिर पोल था। अब यहाँ पे क्या था, सेकंड पोल के बाद यहाँ बनना था फ्लैग, बट फ्लैग बना बट इसका ब्रेकआउट नहीं, ब्रेक डाउन आया। वो आया इस वजह से कि यहाँ पे थी रेजिस्टेंस ऊपर, इधर इस लेवल पे। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे इसने जाके अपनी जो मूवमेंट थी आगे चलने वाली मूवमेंट को यहाँ पे इसने रोक दिया और यहाँ से फिर से ट्रेंड चेंज हो गया। फिर से यहाँ से कंपनी बुलिश से बेरिश फिर एंटर हो गई एंड प्राइस फिर यहाँ पे नीचे मूव हो गई। अब इसने नीचे मूवमेंट की है, प्राइस स्टॉप कैंडल स्टॉप हुई है उसी पुराने लेवल पर, यहाँ से इसने पहले एक एंट्री बनाई थी, ठीक है, वहाँ पे कैंडल फिर से आके स्टॉप हो चुकी थी। और एक बार और इसमें ये बॉक्स मैंने बनाया है, इसी जगह पे डेली चार्ट पे एक एंट्री मिली थी, यानी कि डेली चार्ट पे कैंडल्स ने एक ब्रेकआउट दिया था। हालांकि वो ब्रेकआउट ज़्यादा सस्टेन नहीं किया, अराउंड 50% के आसपास जाके उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, बट एक मूवमेंट हुई थी जो कि दिखाता हूँ किस टाइप से मूवमेंट आई थी डेली चार्ट पे। सो ब्रेकआउट एरिया था यहाँ पे। अब जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था वो समझने वाले, क्योंकि उसकी कैंडल थोड़ी सी ट्रिकी थी कुछ इस जगह पे। अब लेके चलता हूँ डायरेक्ट मैं आपको ब्रेकआउट कैंडल पे। ब्रेकआउट कैंडल की अपर शैडो थी, नॉर्मली क्या है कि अपर शैडो होती है ब्रेकआउट कैंडल को, तो ब्रेकआउट को सही माना नहीं जाता, बट यहाँ पे कुछ और भी चीज़ है जो दिखाता हूँ आपको। नॉर्मली देखो इस ब्रेकआउट कैंडल की जो बॉडी है वो अपर शैडो से बहुत बड़ी है, यानी कि अपर शैडो उसकी आधी है बॉडी के और नीचे वॉल्यूम भी है। तो इस तरह की शैडो को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि बॉडी बड़ी है और शेडो छोटी है, अपर शेडो छोटी है, तो निगलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि इस ब्रेकआउट के बाद, यानी कि ब्रेकआउट एरिया था 97.90, 97.70 रुपये के आसपास का क्लोजिंग थी इस ब्रेकआउट कैंडल ने। और उसके बाद जो प्राइजिंग ने अपनी हिट की है क्लोजिंग अगली, वो अराउंड 170 के आसपास पे हिट की है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि 50-55% के आसपास का मूवमेंट इसमें रहा है। अब हुआ क्या था कि इसी जगह से एक सपोर्ट लाइन और निकली थी जिसने हमको बताया कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हिट हो सकता है या कहाँ हिट हो रहा है। इट मीन समझ सकते हैं कि एक तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोल सकते हैं यहाँ पे। और उसने बखूबी अपना काम किया और यहाँ पे एक कैंडल बनी जिसने अपना स्टॉप लॉस हिट करा दिया, ट्रेल स्टॉप लॉस बोल सकते हैं इसी एरिया में, ठीक है। ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ पे अपना हिट हुआ और जो स्टॉप लॉस हिट हुआ उसकी प्राइसिंग थी 157, यानी कि अराउंड 50% की अर्निंग्स इस ब्रेकआउट से अपनी हो गई। अब इसको फिर से मैं लेके चलूँगा मंथली पे कुछ दिखाने के लिए। मंथली चार्ट में अभी भी इस कंपनी के अंदर उतनी कुछ खास तगड़ी बुलिशनेस मुझे नहीं दिखी कि जो मूवमेंट और कंपनीज के अंदर जब देखता हूँ एक बड़ी मूव पकड़ने के लिए, उस टाइप की मूवमेंट इसके अंदर नहीं दिखी थी। एंड स्टॉप लॉस हो ही चुका है, अब वेट करते हैं आगे के टाइम के लिए कि आगे इसमें किस टाइप की मूव्स बनती हैं। इसको मैं ऐड करूंगा अपने वॉच लिस्ट में, अगर कोई मूव करता है आगे के लिए तो डेफिनेटली वीडियो शूट करूंगा। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।